हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में। मंडे टू फ्राइडे क्या आपको कुक करना है, ये प्लान अगर आप पहले से रेडी करके रखें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मंडे टू फ्राइडे फुल लंच मेन्यू। तो आइए देख लेते हैं मंडे की हमारी स्पेशल रेसिपी क्या होगी। तो मंडे को मैं बनाऊंगी परवल की स्पेशल मज़ेदार चटपटी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने परवल को कुछ इस तरह से छील के रखा है और कट करके रखा है। आप लोग के घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 परवल लिया है और इस तरह से छीलने के बाद मैं इस तरह से चीरा लगा दे रही हूँ ताकि जब इसमें हम पकाएंगे तो मसाले नमक वगैरह अच्छे मात्रा में इसके अंदर चला जाए। परवल को लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाते हैं, या तो इसे फ्राई करते हैं या तो इसकी आलू के साथ सब्जी बनाते हैं, बट ये रेसिपी एकदम अलग है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने परवल में नमक, हल्दी और थोड़ा सा रेड चिल्ली का पाउडर डाला है। अभी हाथों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें करना है फ्राई। तो इस तरह से करने से क्या होगा, नमक भी अच्छे से चला जाएगा और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आएगा रेड चिल्ली पाउडर की वजह से। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी सारे परवल को हम कर लेंगे फ्राई। तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलो फ्राई ही कर रही हूँ, सारे परवल को एक ही साथ डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे सारे परवल हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह से हमें फ्राई करके इसे निकाल लेना है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसे निकालने के बाद अभी चलिए हम लोग तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो सरसों का तेल में मैं इस ग्रेवी को रेडी कर रही हूँ। प्याज डाल देंगे कटा हुआ, वही हरी मिर्च डाल देंगे करीब 2 से 3 और इसे एक बार चलाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा लगे ये सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली का पाउडर, इसमें कलर काफ़ी बढ़िया आती है। उसके बाद फिर से एक बार मिक्स कर देंगे इसे हम, और इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर का प्यूरी। तो यहाँ पे छोटे छोटे 2 टमाटर मैंने लिया है और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से और मसाला भी इसी टाइम पे हम ऐड करेंगे। तो बेसिक मसाला जो हम सभी के घर में रहता है वही मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। गरम मसाला, धनिया का पाउडर है और हल्दी है, नमक है। परवल में हमने नमक पहले से डाल के रखा है तो ये नमक मैंने ग्रेवी के लिए ही बस डाला है। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके हमें करीब 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है ताकि मसालों से जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। तो चलिए कवर कर देते हैं, कवर करके पकाने से ये जल्दी अच्छे से कुक हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। जब लगे कि अच्छे से तेल इसका निकलना शुरू हो गया है तभी इसमें हम डालेंगे दही। तो करीब 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और गैस को अभी सिम में ही रखा है। अभी इसे कंटिन्यू हम चलाएंगे और इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर से हम एक बार कवर कर देंगे और इसमें जब तेल ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब दही भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अभी जितने भी परवल को हमने फ्राई करके रखा है सारे परवल को डाल देंगे इसके अंदर। तो चलिए परवल को छोड़ देते हैं थोड़ा मसालों के अंदर ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर अच्छे से चला जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो आप लोग गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे जितना भी ग्रेवी चाहिए उसी अंदाज से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो चलिए पानी ऐड करने के बाद इसे फिर से कवर कर देंगे और ये हमारा परवल करी रेडी है। आप लोग भी इसे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, ये आप लोग को भी पसंद आएगा। तो आइए देख लेते हैं ट्यूसडे को हमारा स्पेशल लंच क्या होने वाला है। ज़्यादातर घरों में सोयाबीन की सब्जी बनती है या तो कटलेट बनते हैं। आज मैं थोड़ा सा अलग रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सोयाबीन को मैंने गर्म पानी से भिगो के छोड़ दिया था। इसे हम अच्छे से इस तरह से निचोड़ते हुए मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार में, क्योंकि इसे हमें करना है ग्राइंड। और अगर पानी की ज़रूरत हुई तो ही पानी ऐड करिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही पीसने का इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरा बेसन। बेसन डालने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि अजवाइन मैंने डाला है, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाला है, कसूरी मेथी डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी और थोड़े से गरम मसाले और आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर ज़रूर आप लोग ऐड करें, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारे मसाले हमने डाल दिया है। अभी थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च भी डाल रही हूँ, काली मिर्च से भी टेस्ट अच्छा आता है। अभी चलिए इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। और इसमें ना ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सोयाबीन में ऑलरेडी पानी है, तो ये अच्छे से ऐसे ही मिक्स हो जाएगा, पानी का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इसके छोटे छोटे बॉल्स ना इस तरह से हम तल के रेडी कर लेंगे। जब तक हमारे सोयाबीन बॉल्स रेडी हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक कुछ सामान लिए हैं जो कि हर ग्रेवी में लगता है, जैसे कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर।
इसे मिक्सी में हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम महीन हमें पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे बॉल्स भी हमारे रेडी हो गए हैं, इसी तरह से हमें फ्राई करके निकाल लेना है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो बॉल है ना, इसे आप स्नैक्स के तौर में भी खा सकते हैं, केचप वगैरह डाल के इसका चिल्ली भी बना सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बनता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल में ग्रेवी काफ़ी अच्छा बनता है। तो कुछ खड़े गर्म मसाले लिया है, जैसे कि जीरा, एक लिया है लौंग और दालचीनी। इसे हम थोड़ा सा तेल में तड़कने देंगे। उसके बाद जो हमने मसाला रेडी किया था, उस मसाले को भी हम डाल देंगे तेल में। सबसे पहले तो अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसे करीब 2 मिनट तक हम तेल में भूनेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चा वाला फ्लेवर है ना वो अच्छे से चला जाए और अच्छा सा बढ़िया सा ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए मसाला एकदम बढ़िया से हमारा भुन चुका है। अब थोड़ी सी सीजनिंग हम इसमें ऐड करेंगे, बेसिक सा जो सभी के घरों में रहता है। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे आधी आधी चम्मच मैंने सारी चीज़ों को ले लिया है, किचन किंग मसाला, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और हल्दी। थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम कवर कर करके कंटिन्यू भूनेंगे, क्योंकि इसका जो खुशबू है ना वो कहीं ना जाए, इसलिए हम इसे ढक ढक के भून रहे हैं। तेल आना स्टार्ट हो गया है ऊपर, और अभी इसमें हम कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे हल्का सा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप लोग किसी भी सब्जी में डालिएगा ना, तो उसका स्वाद जो है ना वो दोगुना हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसका जो ग्रेवी बनता है ना बहुत क्रीमी बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे तेल जब ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, हमने जो फ्राई करके सोयाबीन को रखा था उसे हम डाल देंगे और एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। आप लोग को ग्रेवी चाहिए या तो ड्राई चाहिए, आप लोग बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आधे गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। इसे फिर से बंद कर देंगे और जैसे ही इसका ग्रेवी सूख जाएगा ना, इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा क्रीम ऐड करके इसे गार्निशिंग कर लिया है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी वेंसडे स्पेशल हमारा क्या होने वाला है। तो लंच में मैं आज प्रिपेयर करने जा रही हूँ जीरा आलू। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है और बच्चों को खास करके ये बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आलू मैंने लिया है और एक आलू को मैं 8 भाग में कट कर रही हूँ। आप लोग थोड़े बड़े साइज़ में भी इसे रख सकते हैं, आप लोग की इच्छा, आप लोग को जैसे मन है वैसे आप इसे कट कर लें। यहाँ पे सारे आलू को मैंने कट कर लिया है। अभी हम पैन में डाल देंगे घी। तो ये जीरा आलू घी से ही बनाएं, इससे खुशबू काफ़ी अच्छा रहती है। घी जैसे ही लगे, अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 सूखी मिर्च और 1 चम्मच भर के जीरा, क्योंकि हम बना रहे जीरा आलू। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च और अदरक। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और इसे एकदम हल्का सा कलर जब इसका चेंज होगा ना, तब तक इसे हम भून लेंगे। और बस इतना मसाला भूनते भूनते इतना अच्छा से खुशबू आना स्टार्ट हो गया है ना मेरे किचन से, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आलूओं को हमें ऐड कर देना है। इसमें जो मसाले पड़ते हैं ना वो भी एकदम हल्के मसाले रहते हैं। एकदम हल्का सा धनिया का पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा मैं रेड चिली का पाउडर ऐड की हूँ और नमक ऐड कर दी हूँ। अभी इस मसाले को अच्छे से आलू में हमें कोट कर लेना है, मिक्स हो जाएगा ये अच्छे से। उसके बाद एंड में इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो करीब 1/2 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। तो आप लोग चाट मसाला को स्किप ना करें, ज़रूर ऐड करें, इसी से थोड़े चटपटे बनते हैं आलू। मैंने थोड़ा सा कवर करके इसे अच्छे से पका लिया है। आप लोग देख सकते हैं कलर इसका अच्छे से चेंज हो गया है। गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर देंगे। मेरे यहाँ पे वीक में एक दिन पनीर बनना ही बनना है, तो आज मैं बनाऊँगी शाही पनीर। आज है दिन थर्सडे का। तो यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, ढेर सारा काजू, ढेर सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लिया है। आप लोग पोस्तों भी ले सकते हैं। तो बस मेरे पास जो था मैंने उस चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को हम पहले डालेंगे प्रेशर कुकर में, एकदम हम अलग तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम 2 विसल्स में पका लेंगे। कुकर ठंडा हो गया है और सारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम मिक्सर जार में सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे
और इसे ना हमें ऐसा पीसना है ताकि इसमें गुठली वगैरह कुछ ना रहे, अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। तो चलिए फटाफट से इस मसाला को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो मैं रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि जीरा, काली मिर्च, एक सूखी मिर्च और दालचीनी। मसाले इसमें मैंने लिया है धनिया का पाउडर, पनीर मसाला, उसके बाद हल्दी, नमक और गरम मसाला। जो बेसिक मसाला होता है ना वही सारी सब्जियों में गिरते हैं। तो यहाँ पे सारे मसालों को मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि मसाला जले ना। अभी तेल में हम सारे मसालों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, करीब एक मिनट बहुत ज़्यादा होता है। और गैस को ना सिम में ही रख के हमें इसे भूनना है, क्योंकि मसाले जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू मैं चलाती जाऊँगी और इसका कलर जो है ना, जैसे ही भुन जाएगा इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तभी आप लोग समझ जाइए कि ये मसाला इसका रेडी है। अभी जो हमने मसाला रेडी करके रखा था मिक्सर जार में, उस मसाले को भी हम डाल देंगे, यानी कि प्याज, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट था हमारा जो हमने बॉईल करके रखा था उसे भी हम डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ही क्रीमी बना है, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, इसमें जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट मसाला है वो है फ्रेश क्रीम, उसे हमें ऐड करना है। और फ्रेश क्रीम आप लोग इसमें स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शाही पनीर में फ्रेश क्रीम का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाल के हम मिक्स करेंगे फिर से और इसे ढक देंगे। जो हमारा मेन प्रोसेस है वही करेंगे। करीब एक से डेढ़ मिनट तक पका लिए हैं अच्छे से। अभी हम पनीर के क्यूब्स को सारे इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे सारे पनीर के पीसेस को मैंने डाल दिया है और पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि पनीर ना बहुत सॉफ्ट रहते हैं अगर फ्राई नहीं करेंगे तो। अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इस स्टेज पे आप लोग नमक भी चेक कर ले सकते हैं, नमक सही है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि शाही पनीर का जो ग्रेवी बनता है ना वो बहुत डिलीशियस बनता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें ग्रेवी चाहिए होता है। और ये हमारा गर्मा गर्म शाही पनीर भी बन चुकी है। तो आइए लास्ट रेसिपी को भी हम लोग देख लेते हैं, फ्राइडे स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने लिया है भिंडी कुछ इस तरह से कट करके, और अभी हम बनाएंगे अचारी भिंडी। तो अचारी भिंडी बनाने के लिए पैन में हम डाल देंगे सरसों के तेल और एक चम्मच जीरा का पाउडर, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच सरसों और थोड़े से ना मेथी के दाने मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अचारी भिंडी है तो अचार का फ्लेवर भी इसमें आना चाहिए। थोड़े से कटे हुए लहसुन, थोड़े से अदरक और हरी मिर्च, साथ ही साथ प्याज इस तरह से कट करके हम डाल देंगे। और तेल में इसे हम इस तरह से भूनेंगे ना कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा तेल का ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि भिंडी अच्छे से हमें फ्राई करना है। आप लोग भिंडी को पहले भी फ्राई करके रख सकते हैं, बट मैं एक ही साथ कर रही हूँ। एक ही साथ होना तो ज़्यादा तामझाम नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारे भिंडियों को मैंने डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम बस नमक और हल्दी ही ऐड करेंगे। अचारी भिंडी का जो स्वाद होता है ना बहुत डिलीशियस होता है। आप लोग जब बनाओगे तब आप लोग को पता चलेगा, मेरे बताने से भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे नमक हल्दी ऐड कर दिए हैं, देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ना हम कवर कर करके करीब 5 से 7 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक भिंडियों में ना थोड़ा कलर ना आ जाए और थोड़ा ऊपर से ये क्रिस्पी दिखना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखिए मैं किस तरह से पका रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे कवर करके पकाने से, और ये अंदर तक इसके नमक मसाले का स्वाद भी चला जाएगा। तो चलिए भिंडी को एक बार कर देते हैं मिक्स अच्छे से। और इसमें जो मसाले पड़ते हैं ना, इसमें मैंने डाला है एक चम्मच धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आमचूर का पाउडर, तो करीब आधा चम्मच मैंने इसमें आमचूर का पाउडर लिया है। इसमें थोड़ा चटपटा बनता है और थोड़ा सा गर्म मसाला। सारे मसालों को मिक्स करना है, पानी वगैरह ऐड हम नहीं करेंगे, बस सूखे ही हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। और एक बार फिर से लीड को बंद करके करीब आधे मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से भिंडियों के साथ मिक्स हो जाए। तो चलिए बस एक मिनट और ये हमारा गर्मा गर्म अचारी भिंडी रेडी हो जाएगी। होप आप लोग को आज का मंडे टू फ्राइडे लंच बॉक्स रेसिपी पसंद आया होगा। आप लोग ट्राई करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।